हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट का एसएफडी बीएमडी चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 13 हम लोग सीखेंगे, है ना। तो कैंटिलीवर बीम के प्रॉब्लम ले रहे थे हम लोगों ने, लास्ट एक प्रॉब्लम लिया था हम लोगों ने, अब ये नेक्स्ट वाला भी कैंटिलीवर बीम का प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको डायग्राम प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, गिवन है डायग्राम। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है कि ड्रॉ एसएफडी बीएमडी फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, है ना। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो अभी डायग्राम में यहाँ पे कैंटिलीवर है 10 किलोन्यूटन पर मीटर का, ये दो पॉइंट लोड है, प्लस यहाँ पे भी यूडीएल है, यहाँ पे भी यूडीएल है, 2 मीटर 2 मीटर, और ये 3 मीटर का स्पैन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सब में पहले हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो एक रिएक्शन, एक ही रिएक्शन क्रिएट होगी, यहाँ पे जो आर ए रहेगी, ये रिएक्शन आर ए, हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक ही रिएक्शन रहेगी, वर्टिकल रिएक्शन आर ए, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। दूसरा वाला रिएक्शन नहीं रहेगा, सिंपली सपोर्टेड जैसा इसमें नहीं होता है ना। तो क्या करना है, सिंपल सबमेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो कैलकुलेट करो सब में पहले कि अपवर्ड क्या जा रहा है, आर ए, तो आर ए आ जाएगा प्लस आर ए। उसके बाद देखो बाकी के सब यूडीएल भी और पॉइंट लोड भी डाउनवर्ड है, तो सब में पहले पॉइंट लोड ले लेते 30 और 20 का, है ना। तो क्या आ जाएगा, -30 -20। अब ये यूडीएल 10 किलोमीटर का यूडीएल है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल को मल्टीप्लाई करते हैं स्पैन से। अब 10 किलोमीटर का यूडीएल कितने स्पैन पे, 2 मीटर पे, ना। तो 10 इंटू 2 ये हो गया यूडीएल का पॉइंट लोड, तो क्या आ जाएगा, -10 इंटू 2, अगेन माइनस। अब ये वाला यूडीएल, ये वाला यूडीएल 20 किलोमीटर का है, इसका स्पैन कितना है, 3 है, तो इसका फोर्स में कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, 20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। तब यहां से हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, ये सबका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा ना, तो बड़ा सा वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को आर ए का। कितना आ गया, देखो आर ए का वैल्यू मिल गया हम लोग को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए, कितना आ गया, 130 आ गया ना, कितना आ गया, 130 किलो न्यूटन। देखो इसको कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, ये मिल गया 130 किलो न्यूटन, आर ए का वैल्यू मिल गया, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 130, राइट। अब आ रहे मिल गया, अभी हम लोग क्या करना है, SF कैलकुलेशन की तरफ बढ़ना है ना। अब SF कैलकुलेशन की तरफ जाना है, SF कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सब में पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन के साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम भी ड्रॉ करने वाले हैं, है ना। तो SFD भी बनाएंगे हम लोग, तो इसके लिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, एक रेफरेंस लाइन रहेगी ये, है ना, और ये 0-0 की लाइन भी होती है ना। ये पॉइंट ए है हमारा, यहाँ पे पॉइंट बी है, इधर पॉइंट सी और इधर पॉइंट डी है, राइट। ओके, अब ये लाइन रहेगी 0-0 एसएफ की लाइन होती है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा डायग्राम ऊपर बढ़ेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा डायग्राम नीचे बढ़ेगा। ओके, अब सब में पहले देखो एसएफ कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडरेशन है हमारा, एसएफ कैलकुलेशन के लिए हमारा कंसिडरेशन एकदम सिंपल है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। अब देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, अब देखो ए पॉइंट का शेयर फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, ए पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, हाँ फोर्स है, कौन सा वाला फोर्स है, आर ए, कैसा है, अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स मतलब पॉजिटिव, आर ए का वैल्यू कितना है, 130, तो यहां पे कितना आ जाएगा फोर्स, आ जाएगा प्लस 130 किलो न्यूटन, कितना आ गया वैल्यू, प्लस 130 किलो न्यूटन। अब प्लस 130 आ गया तो डायग्राम किधर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ जाएगा डायग्राम, है ना, क्योंकि प्लस वैल्यू आई तो डायग्राम ऊपर बढ़ता है ना। अब देखो, अब ए टू बी में यूडीएल है क्या, हाँ यूडीएल है, ए टू बी में यूडीएल रहेगा तो क्या आएगा, क्रॉस लाइन आएगी यहाँ पे ना, यूडीएल नहीं रहता तो डायग्राम ऐसे स्ट्रेट चला जाता था, है ना। ओके, अब ए पॉइंट का मिल गया हम लोग को, अब निकालना है शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट का शेयर फोर्स निकालने के लिए जो लास्ट का वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दो, ये कितना आ गया, 130 एज इट इज लिख दो। अब देखो बी पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, बी पॉइंट पे फोर्स है जो यूडीएल का फोर्स है, यूडीएल का फोर्स कभी भी कहां एक्ट होता है, यूडीएल जहां पे खत्म हो रहा है। देखो अब ए टू बी का जो यूडीएल है कहां पे खत्म हो रहा है, बी पॉइंट पे, तो यूडीएल का फोर्स कहां पे एक्ट होगा, बी पॉइंट पे, यूडीएल का फोर्स कितना है, 10 इंटू 2, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, डाउनवर्ड फोर्स है तो क्या आएगा, माइनस, तो माइनस 10 इंटू 2, 10 इंटू मतलब 20, है ना, तो 130 में से 20 चला गया तो कितना बचेगा, 110 किलो न्यूटन, है ना। तो ये आ गया शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो देखो प्लस में है ये भी वैल्यू, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे इधर किधर आ जाएगी, है ना, यहाँ पे वैल्यू दे दो, है ना। अब देखो अब यहां से यहां तक क्या आएगी, क्रॉस लाइन आएगी, क्योंकि यूडीएल है ना,
देखो ए टू बी में क्या है, यूडीएल है, तो यहाँ पे ये 110 आ गया, यहाँ पे 130 था, क्रॉस लाइन आ गया, ए टू बी यूडीएल है इसलिए। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट सी। अब देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, पहले लास्ट वाला वैल्यू लिख दो एज इट इज 110। अब देखो सी पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या? हाँ है। कैसा है? डाउनवर्ड फोर्स है 30 किलोन्यूटन का। डाउनवर्ड फोर्स क्या लेते हैं हम लोग? माइनस। तो यहाँ पे लिख दो माइनस 30। देखो 110 में से 30 गया तो कितना बचा? 80 किलोन्यूटन, राइट? 80 किलोन्यूटन बच गया। अब 80 किलोन्यूटन कैसा है? पॉजिटिव है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब देखो बी टू सी में कोई फोर्स है क्या? यूडीएल वगैरह है क्या? यूडीएल नहीं है ना, बी टू सी में यूडीएल नहीं है। तो यहां तक क्या होगा? ये लाइन ऐसे स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्योंकि यूडीएल नहीं है। अब सी पॉइंट पे कितना यूडीएल है? सी पॉइंट पे है एसएफ का वैल्यू कितना है? एसएफ के वैल्यू है 80, है ना। सपोज यहां पे है 80, तो ये डायग्राम यहां तक नीचे आ जाएगी। देखो यहां से यहां तक क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। यहां पे आ गया हमारा 80 किलोन्यूटन शेयर फोर्स एट पॉइंट सी। अब देखो, अब सी टू डी में यूडीएल है तो क्रॉस लाइन आने वाली है, पक्का है, हम लोग को पता है ना। और दूसरी चीज क्या है? देखो डी पॉइंट पे एक फोर्स है पॉइंट लोड ऑलरेडी, और ये जो यूडीएल है ये यूडीएल भी खत्म हो रहा है डी पॉइंट पे, तो यूडीएल का फोर्स भी डी पॉइंट पे जाएगा, और डी पॉइंट पे ऑलरेडी एक पॉइंट लोड है, मतलब डी पॉइंट पे कितने फोर्सेस हो गए? दो फोर्स हो गए, है ना। तो इसके लिए डी पॉइंट पे जो शेयर फोर्स निकलेगा वो कितने बार निकलेगा? दो बार, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले शेयर फोर्स एट पॉइंट डी वन लिख दो, है ना। सबसे पहले जो लास्ट का आंसर आ गया वो लिख दो, ये 80 आ गया था, राइट। अब देखो यूडीएल, देखो यूडीएल कितना है? 20 × 3 का यूडीएल। कैसा है? डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले यूडीएल को लेके, यूडीएल की वैल्यू कितनी है? यूडीएल की वैल्यू है 20 × 3, राइट। तो ये वाले यूडीएल को, यूडीएल के फोर्स को हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। 20 × 3 का यूडीएल डाउनवर्ड है, जो डीपी आया पहला, तो इसके लिए क्या करेंगे हमें? माइनस 20 × 3। अब 20 × 3 मतलब कितना हो गया? 60, है ना। अब 80 में से 60 गया तो कितना बचा? 20 + 20, राइट। तो यहां पे कितना वैल्यू आ जाएगा डी पॉइंट पे? डी पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू आ गया 20, यहां पे किधर रहेगा, राइट। अब देखो सी टू डी में क्या है? यूडीएल है। यूडीएल है तो कैसी लाइन आएगी? क्रॉस लाइन। तो यहां पे क्रॉस लाइन से जोड़ दो इसको, राइट। ये वाला वैल्यू है 20 किलोन्यूटन शेयर फोर्स एट पॉइंट डी वन। अब ऐसे ही शेयर फोर्स एट पॉइंट डी टू, सबसे पहले जो लास्ट का आंसर आया है 20, इसको लिख दो। अब देखो, अब डी पॉइंट पे दूसरा एक पॉइंट लोड, कैसा है? डाउनवर्ड पॉइंट लोड है 20 का। डाउनवर्ड फोर्स मतलब माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस 20। देखो प्लस 20 माइनस 20 क्या हो गया? जीरो। अब जीरो आया आंसर, मतलब डायग्राम वापस कहां पे आ जाएगी? डी पॉइंट पे आ जाएगी। पूरा डायग्राम हमारा प्लस में रहेगा, है ना। तो ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं SFD, राइट। समझ में आ गया? अब देखो कभी भी कैंटिलीवर, जो भी कैंटिलीवर बीम रहेगा ना, तो डायग्राम जनरली पॉजिटिव में आती है शेयर फोर्स, है ना, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जनरली नेगेटिव में आती है, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट का हमारा है बीएम कैलकुलेशंस। तो बीएम कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे, है ना, क्योंकि बीएम डायग्राम भी हम लोग को साथ ही साथ बनाना है इसी तरह, राइट। तो यहां पे पॉइंट्स को नाम दे दो, पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ये डी है, ये सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, है ना। अब देखो, अब क्या होता है बीएम कैलकुलेशन? सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख देते हैं बीएम कैलकुलेशन। अब बीएम कैलकुलेशन जो सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम है, उससे कैंटिलीवर बीम का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है? सब में पहला तो डिफरेंस कंसिडरेशन क्या है देख लेते हैं। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव रहेंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस का मोमेंट क्या रहेगा? नेगेटिव, राइट। अब देखो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स के मोमेंट जीरो होते हैं, लेकिन कैंटिलीवर में ऐसा नहीं होता है। कैंटिलीवर में सिर्फ फ्री एंड का मोमेंट जीरो होता है। फ्री एंड कौन सा है? डी है। तो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट डी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट डी की वैल्यू आ गई जीरो। ए पॉइंट पे मोमेंट रहेगा, बी पे भी रहेगा, सी पे भी रहेगा, है ना। तो सब में पहले निकालते हैं मोमेंट एट पॉइंट ए। सब में पहला वैल्यू निकालते हैं हम लोग मोमेंट एट पॉइंट ए का वैल्यू निकालते हैं एम ए, राइट। अब देखो एम ए के राइट में, देखो ए के राइट में देखो यूडीएल है। सब में पहले कितना है? 10 × 2 का यूडीएल है। और देखो ये यूडीएल कैसा है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड यूडीएल, डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होगा? नेगेटिव। तो सब में पहले लिखते हैं यहां पे माइनस 10 × 2 का यूडीएल है, तो 10 ×
टू है ना। अब ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 2 मीटर है, तो यूडीएल कहां पे एक्ट होता है, हाफ में, तो 2/2 है ना। अब 2/2 मतलब कितना आ जाएगा, 1 मीटर है ना, लेकिन मैं यहाँ पे 2/2 लिखता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। ये वाला पहला वाला फोर्स हो गया ये, बराबर। सेकंड वाला फोर्स नीचे ले लेते हैं हम लोग है ना। अब से नेक्स्ट वाला फोर्स है 30 किलोन्यूटन, डाउनवर्ड फोर्स है, अगेन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं माइनस कितना है 30 into, अब इसका डिस्टेंस कितना, देखो ये डिस्टेंस कितना है 2+2 4, ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो गया 4, राइट। माइनस अब नेक्स्ट वाला यूडीएल, नेक्स्ट वाला यूडीएल कितना है 20 का यूडीएल है 3 मीटर पे, तो 20 into 3 है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, इसका वैल्यू आ जाएगा 20 into 3। ये वाला हो गया यूडीएल का फोर्स। अब इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है, अब इसका डिस्टेंस निकालते, देखो यहां तक कितना है ए पॉइंट से 2+2, ये 4 है प्लस, ओके यहां तक 4 है, और ये यूडीएल 3 मीटर का स्पैन है, 3 के ये क्या होगा, हाफ में एक्ट होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4+3/2 है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4+3/2 है ना। अब 3/2 की वैल्यू कितनी है, 3/2 की वैल्यू है अपने को पता है 1.5 है ना, तो 4+1.5 मतलब डायरेक्टली 5.5 भी आप लिख सकते हो है ना, लेकिन तुम लोग को समझ में आए वैल्यू, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, ओके 4+3/2 दैट इज नथिंग बट 5.5। अब नेक्स्ट वैल्यू हम लोग नीचे लेते माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि 20 किलोन्यूटन का फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट नेगेटिव होगा, तो इसके लिए माइनस 20 into, अब टोटल डिस्टेंस आया कितना 2+2+3 कितना हो गया 4+3 7, तो इंटू क्या हो गया 7, तो यहां से मिल जाएगा हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट ए। देखो ए फोर्स, फिर दूसरा वाला इधर लिखा मैंने, तीसरा वाला यहाँ पे लिखा, चौथा वाला यहाँ पे लिखा, तो लाइन बाय लाइन नीचे ध्यान से समझ लो, ओके। मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, देखो मोमेंट एट पॉइंट ए का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा अच्छे से, यहाँ पे कैलकुलेशन कितना आ गया 6 -670 है ना, देखो -670 kN/m कितना आ गया -670 kN/m। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ पे आगे तुम एंटी क्लॉकवाइज लिख के माइनस साइन हटा भी सकते हो ना, तो माइनस साइन आया मतलब डायग्राम किधर बढ़ेगी, डायग्राम आएगी नीचे है ना, देखो माइनस वैल्यू आए तो डायग्राम नीचे बढ़ती है, प्लस वैल्यू आए तो डायग्राम ऊपर बढ़ती है, तो यहाँ पे नीचे आप लोग को एक पॉइंट ले लेना है यहाँ से ना, स्ट्रेट लाइन बता दो यहाँ पे किधर रहेगा हमारा 670 kN/m मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स। अब मोमेंट एट पॉइंट बी और सी की वैल्यू निकालना है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू, है ना, तो देखो मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू, देखो बी के राइट में क्या क्या है, ये फोर्स है, ये यूडीएल है और ये फोर्स है ना, तो बी के राइट में सबसे पहले पॉइंट लोड है, कैसा है डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड का मोमेंट क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो -30 into, बी से इसका डिस्टेंस कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 30 into 2, अगेन माइनस क्यों, क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल भी डाउनवर्ड है ना, तो यूडीएल भी डाउनवर्ड है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, यूडीएल को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करते थे स्पेस का मतलब, पहले पॉइंट लोड ले लेते, पॉइंट लोड ये कैसा है डाउनवर्ड है, अगेन पॉइंट लोड डाउनवर्ड माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा 20 into, अभी बी से इसका डिस्टेंस कितना है, देखो 3+2 कितना हो गया 5 है ना, तो क्या आ जाएगा 20 into 5, ये पॉइंट लोड ले लिया हम लोगों ने है ना। अब यूडीएल लेंगे, ये वाला यूडीएल है ना, अभी ये वाला यूडीएल मैं नीचे लिखता हूं इधर, देखो माइनस क्योंकि यूडीएल डाउनवर्ड है, बराबर यूडीएल डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट नेगेटिव, इसके लिए माइनस ले लिया। अब यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो पहले 20 into 3 है ना, क्या आ जाएगा यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे 20 into 3, ये पॉइंट लोड में हो गया into, अब इसका डिस्टेंस चाहिए कहां से, बी पॉइंट से, बी पॉइंट से ये कितना है 2 मीटर है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख दो प्लस है ना, यहां तक 2 हो गया प्लस, अब ये यूडीएल कहां पे होगा, इसके हाफ में होगा मतलब 3/2, तो क्या आ जाएगा 2+3/2 है ना, आप डायरेक्टली 2+1.5 3.5 डायरेक्टली लिख सकते हो है ना, तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी का इक्वेशन, कितना आ गया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, कितना आ गया -370, कितना आ गया वैल्यू इसका -370 kN/m है ना। अब माइनस में आया तो डायग्राम किधर आएगी, नीचे आएगी, राइट,
तो यहाँ पे ये पॉइंट इधर आ जाएगा नीचे, यहाँ पे देखो माइनस 370। आप देखो ए टू बी में क्या है, ए टू बी में क्या है, यूडीएल है, यूडीएल है तो क्या आएगा, यूडीएल है तो ये ऐसा कर्व आएगा, देखो ये ऐसा कर्व आएगा यूडीएल है तो, ये मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 370 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया बी का मोमेंट। अब बचा सी का मोमेंट, डी का तो जीरो है, सिर्फ अभी क्या बचा सी का मोमेंट बचा, तो सी का मोमेंट निकाल लेते हम लोग। चलो मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, देखो सी के लेफ्ट में, अभी सी पे ये जो 30 किलोन का फोर्स है ये सी में से पास हो रहा है ना, तो 30 किलोन का फोर्स सी में से पास हो रहा है तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो, उसका मोमेंट लेने की जरूरत ही नहीं, तो क्या लेंगे सिर्फ ये 20 और ये 20 का यूडीएल है ना, तो सबसे पहले लेंगे यूडीएल 20 का, कैसा है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मोमेंट नेगेटिव, तो क्या आएगा माइनस 20 × 3 है ना, यूडीएल को फोर्स में कन्वर्ट किया 20 × 3। अब इसका डिस्टेंस देखो, सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 3 मीटर है, तो 3 मीटर के हाफ में एक्ट होगा है ना, तो इसके लिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग 3/2 राइट। अब नेक्स्ट वाला फोर्स में नीचे ले लेता हूं माइनस है ना, माइनस क्यों, ये 20 का पॉइंट लोड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मोमेंट नेगेटिव, इसके लिए माइनस लिख दिया मैंने 20 × डिस्टेंस कितना रहेगा 3, सी से इसका डिस्टेंस कितना है 3, ये 30 का फोर्स नहीं आएगा, पॉइंट में से पास हो रहा है, उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा राइट। तो यहां से हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट सी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ गई देखो, मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया हम लोग को -150 है ना, कितना आ गया -150 किलो न्यूटन मीटर राइट। तो अब यहां पे मोमेंट एट पॉइंट सी की वैल्यू आ गई हमारी -150। सपोज यहां पे किधर रहेगा, अब देखो बी टू सी में यूडीएल है क्या, नहीं है, यूडीएल नहीं है तो क्या होगा, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करना है, ये ध्यान रखना अच्छे से, यूडीएल नहीं है तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करना है बराबर। अब मोमेंट एट पॉइंट डी कितना है, मोमेंट एट पॉइंट डी फ्री एंड है, वो तो जीरो है ना, तो अब देखो अब सी टू डी क्या है, सी टू डी यूडीएल है तो स्ट्रेट लाइन से नहीं ज्वाइंट करना है, यहां पे क्या आएगा कर्व आएगा है ना, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ऐसा कर्व आएगा है ना, यहां पे आ जाएगा कर्व, देखो सी टू डी में कर्व है, ए टू बी में कर्व है, बी टू सी में स्ट्रेट लाइन है, समझ में आया, ये हो गया हमारा, दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना, दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आ गई नेगेटिव में, ये है हमारा बी एम डी, देखो एस एफ डी बन गया, बी एम डी बन गया, प्रॉब्लम हमारा खत्म हो गया, समझ में आ गया प्रॉब्लम, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।